नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम विभाग की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो समस्त राजस्थान वासियों के लिए बेहद ही खास रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगामी 24 से 48 घंटों के मौसम के बारे में अवगत कराएंगे कि दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर आपको किस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों बीते 24 घंटों के मौसम के बारे में भी अवगत कराएंगे कि दोस्तों राजस्थान के किन किन जिलों में आपको हल्के से मध्यम तो दोस्तों किन किन जिलों में आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिली, किन किन जिलों में आपको मौसम बिल्कुल शुष्क और साफ देखने को मिला, दोस्तों चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। साथ ही दोस्तों हम आपको इस गुलाब चक्रवाती तूफान के बारे में भी अवगत कराएंगे कि दोस्तों इसका इफेक्ट अब आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा या दोस्तों नहीं मिलेगा, और दोस्तों अगर राजस्थान में देखने को मिलेगा तो सर्वाधिक इफेक्ट किन किन जिलों पर इसका पड़ने वाला है, यानी कि किस संभाग में इसका सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया पल पल का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं बीते 24 घंटों में आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस प्रकार का मौसम देखने को मिला। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर जयपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में आपको कई स्थानों पर गहरे काले बादलों का आवागमन देखने को मिला। साथ ही दोस्तों अगर भारी बारिश की बात करें तो दोस्तों आपको जयपुर, करौली, दौसा, सीकर और दोस्तों नागौर के आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिली। शेष राजस्थान की अगर अन्य जिलों की बात करें तो दोस्तों लगभग अन्य जिलों में मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिला। इक्का दुक्का स्थानों पर आपको भरतपुर और दोस्तों अलवर के भी कुछ स्थानों पर आपको छुटपुट बारिश बीते 24 घंटों में देखने को मिली। पश्चिमी राजस्थान के यानी कि बात करते हैं यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और दोस्तों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इक्के दुक्के स्थानों पर छुटपुट बारिश देखने को मिली, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर मौसम बिल्कुल साफ रहा। वहीं दोस्तों यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बादलों का आवागमन इक्का दुक्का स्थानों पर देखने को मिला, लेकिन लगभग संपूर्ण यहाँ पर कोटा संभाग में मौसम बीते 24 घंटों में साफ देखने को मिला। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुलाबी चक्रवाती तूफान की। तो दोस्तों ये जो गुलाबी चक्रवाती तूफान है धीरे धीरे इसका असर यहाँ पर दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिल रहा है और दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल है। यहाँ पर भी दोस्तों इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर गहरे काले बादल छाए हुए हैं और दोस्तों इन स्थानों पर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो चक्रवाती तूफान यानी कि गुलाब तूफान है धीरे धीरे ये अग्रसर हो रहा है और दोस्तों आगे इसका रुख महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर फिलहाल यानी कि चेंज हो चुका है। दोस्तों इसके ट्रैक में अब दोस्तों आपको आगामी दिनों में और चेंजिंग देखने को मिल सकती है, जिसके कारण इसका असर आपको दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दोस्तों उदयपुर, सिरोही, जालौर इनमें आपको देखने को अवश्य मिल सकता है। साथ ही दोस्तों जयपुर संभाग के भी ये जो जिले हैं यानी कि बाड़मेर और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सिरोही, जालौर के आसपास के क्षेत्र और राजसमंद में भी इसका कुछ असर आपको आगामी दिनों में जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र पर इसका सर्वाधिक इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन दोस्तों इसके असर की अगर राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और दोस्तों यहाँ पर बीकानेर संभाग की बात करें तो इन पर इसका बिल्कुल भी असर फिलहाल पड़ने की कोई संभावनाएं नहीं है। गुलाब चक्रवाती तूफान से दोस्तों राजस्थान के अगर यहाँ पर बात करें तो ज़्यादातर जिलों में आपको इसका इफेक्ट लगभग देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान के किन किन जिलों में आपको किस प्रकार का मौसम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अलवर, भरतपुर और दोस्तों करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन जिलों में आपको लगभग मौसम साफ देखने को मिलेगा। कुछ ही स्थानों पर बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इन बादलों से आपको कहीं पर भी भारी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सवाईमाधोपुर और दोस्तों इसके बाद कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक दो के स्थानों पर सिर्फ छुटपुट बारिश देखने को मिलेगी। ज़्यादातर स्थानों पर यहाँ पर भी मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर उदयपुर संभाग और इसके आसपास के क्षेत्र की तो दोस्तों डूंगरपुर, प्रतापगढ़,
उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर आगामी 24 से 48 घंटों में देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर आपको भारी बारिश भी देखने को अवश्य मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों की, यानी कि राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्रों में भी आपको इक्का दुक्का स्थानों पर छुटपुट बारिश भी आगामी 24 घंटों में जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन शेष जोधपुर संभाग के जिलों में आपको कुछ स्थानों पर बादलों का आगमन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जिलों का मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों बीकानेर संभाग में मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। दोस्तों यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर बादलों का आगमन जरूर देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के दोस्तों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में आपको मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिलेगा। दोस्तों कुछ ही स्थानों पर आपको सिर्फ बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा और इन बादलों से दोस्तों कुछ ही स्थानों पर छुटपुट बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। दोस्तों अगर अजमेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों यहां पर अजमेर, सांवर के आसपास का क्षेत्र और दोस्तों नागौर, टोंक, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, इन जिलों की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको सिर्फ बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा और लगभग इन जिलों में आपको मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अजमेर संभाग और इसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी आपको आगामी 24 से 48 घंटों में भारी बारिश की कोई संभावनाएँ नहीं हैं। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ से हम आपको संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों आगामी दिनों में भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान में किस किस प्रकार के अलर्ट जारी कर रखे हैं। दोस्तों कहां कहां पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और दोस्तों कहां कहां पर यहां पर दोस्तों भारी बारिश का भी अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। अब देखिए दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग की यह ऑफिशियल साइट है। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर के मौसम की। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 28 सितंबर 2021 के मौसम की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में यानी कि येलो अलर्ट जारी है, जबकि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के संपूर्ण भाग में यहाँ पर ग्रीन अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। दोस्तों अगर भारी बारिश की बात करें तो आगामी 24 से 48 घंटों में आपको यहां पर उदयपुर संभाग और इसके आसपास के क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, प्रतापगढ़ के आसपास और दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिलों में भी आपको अच्छी खासी बारिश आगामी 24 से 48 घंटों में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों और बाड़मेर का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ स्थानों पर बादलों के आवागमन के साथ छुटपुट बारिश भी आगामी 24 से 48 घंटों में देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर अगर इस गुलाब चक्रवाती तूफान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई है, यानी कि इसका सर्वाधिक इफेक्ट आपको महाराष्ट्र और दोस्तों गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। इसके कारण दोस्तों यहाँ पर रेड अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों में सर्वाधिक बारिश इससे महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं 29 सितंबर 2021 के मौसम की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो पूर्वी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर भी ग्रीन अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। दोस्तों अगर इसका जो ट्रैक है इसमें और चेंजिंग देखने को आपको मिलेगी तो दोस्तों इसका ज़रूर असर आपको पश्चिमी राजस्थान के यानी कि जोधपुर संभाग के जिलों में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ट्रैक में अगर चेंजिंग आएगी तो दोस्तों इसका असर आपको उदयपुर संभाग के जिलों में भी जरूर देखने को मिलेगा और इसके कारण आपको इन स्थानों पर झमाझम बारिश आगामी 24 से 48 घंटों में भी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर जयपुर और दोस्तों भरतपुर संभाग की, इन जिलों में आपको छुटपुट बारिश आगामी 24 घंटों में देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगर बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग के लगभग जिलों में मौसम बिल्कुल शुष्क और सुहावना रहने का अनुमान भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं 30 सितंबर 2021 के मौसम की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर येलो अलर्ट जारी है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर ग्रीन अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर रखा है। दोस्तों आपको 30 सितंबर तक राजस्थान के कुछ जिलों में छुटपुट बारिश का दौर लगातार कई दिनों तक देखने को मिल सकता है, यानी कि कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश का यह दौर है ये कई घंटों तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों छुटपुट बारिश आपको जोधपुर संभाग के कुछ जिले यानी कि बांसवाड़ा, दोस्तों बाड़मेर, इसके बाद दोस्तों सिरोही, जालौर के आसपास के क्षेत्र और दोस्तों राजसमंद, पाली में भी आपको छुटपुट बारिश आगामी दिनों में जरूर देखने को मिल सकती है। दोस्तों आगे जैसे ही राजस्थान के मौसम में अचानक से कोई परिवर्तन आएगा या दोस्तों मानसून की स्थिति में कोई जैसे ही अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे।